मथुरा जिला कारागार में निरुद्ध 77 महिला कैदियों में से 32 महिला कैदी करवा चौथ का व्रत रखेंगे, जिसमें से 10 महिलाओं के पति जिला कारागार से बाहर हैं, उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कराकर खुलवाया जाएगा। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए जेल अधीक्षक ब्रजेश सिंह द्वारा बताया गया कि सामाजिक संस्थाओं द्वारा कैदी महिलाओं के लिए साड़ियां एवं श्रृंगार की व्यवस्था की गई है। वह एक सामाजिक संस्था द्वारा महिलाओं को ब्यूटिशियन किट की दी गई, ताकि कैदी महिलाएं अपना श्रृंगार कर सकें। जेल परिवार द्वारा करवा चौथ के त्यौहार को देखते हुए महिलाओं के लिए स्पेशल खाने की तैयारी की गई है। अधिक जानकारी देते हुए जेल अधीक्षक ब्रजेश कुमार सिंह द्वारा बताया गया। सर, जैसा कि कल करवा चौथ है और जेल में जो है कुछ महिलाएं भी निरुद्ध चल रही हैं, किस प्रकार त्यौहार को मनाएंगी? देखिए, जिला कारागार मथुरा में हर त्यौहार को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा, रक्षाबंधन भी हम लोगों ने बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया था, और जेल प्रशासन उस पूरे त्यौहार में सहभागिता अपनी रखी थी, और कोई कलाई रहने या सुनी के दृष्टिगत हम लोगों ने रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया था। माननीय कारागार मंत्री जी की प्रेरणा से और माननीय डीजी श्री आनंद कुमार जी की प्रेरणा से कारागार में उन लोगों के द्वारा विशिष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कारागार में बंदियों को त्यौहार जो है कारागार प्रशासन मिलकर मनाए, उसी के दृष्टिगत जो है करवा चौथ व्रत के लिए हम लोगों ने विशेष इंतजाम रखा हुआ है। और कुछ एनजीओ से हमने संपर्क किया, जिसमें नरेश पाल शंकर मेडिकल स्टोर की तरफ से जो करवा में जो पूजा के लिए जो सामग्री यूज़ की जाती है उसको उपलब्ध कराया गया। साथ में कुछ एनजीओ से हम लोगों ने बात की, उन लोगों ने साड़ी और जो भी श्रृंगार के सामान होते हैं वो भी उपलब्ध करा रहे हैं। साथ में एक ब्यूटिशियन से हम लोगों ने संपर्क किया, उन्होंने जो है महिलाओं को मेकअप की किट भी देने की व्यवस्था की है, और इस तरीके से हम लोग उनको करवा चौथ का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। साथ में कारागार परिवार की तरफ से हम लोगों द्वारा विशेष भोजन की व्यवस्था की गई है महिलाओं के लिए, और वर्तमान में जिला कारागार मथुरा में लगभग 77 महिलाएँ हैं, जिसमें से 32 महिलाएँ जो हैं करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, जिसमें से 10 महिलाएं ऐसी हैं जिनके पति बाहर हैं, जेल से बाहर हैं, और बाकी महिलाओं के पति कारागार के अंदर हैं। कारागार के अंदर जो पति हैं उनको शाम को जो है उनकी एक झलक दिखला करके और पूजा में शामिल कराया जाएगा, ताकि वो अपना पूजा संपन्न कर सके, और साथ में जो जिन महिलाओं के पति बाहर हैं उनको वीडियो कॉल के माध्यम से हम लोग वार्ता कराएंगे, ताकि जो है वो भी अपना जो है व्रत जो है तोड़ सकें।